अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड, बिल्कुल बासित है। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनकैप्सुलेशन में मदद करती हैं। जैसे कि उनका नाम है, दो किस्म के मॉडिफायर्स इस्तेमाल होते हैं, जिसका नाम होता है एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर। अब बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी शार्प स्पेसिफाई एक्सेसिबिलिटी, स्कोप ऑफ अ डाटा मेंबर, मेथड, कंस्ट्रक्टर्स और क्लास। ये तीन किस्म के होते हैं, इनके तीन टाइप्स होती हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की, जिनका नाम क्या है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। इसके बारे में जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक काम कैसे करते हैं और होते क्या हैं। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जो काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर काम करते हैं। तो द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन क्लास, तो ये एक्सेसिबल है खाली क्लास के अंदर। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली। क्या मतलब कि ये जो एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होते हैं खाली कहाँ पर, ये सिर्फ इनहेरिटेंस की मदद से ही काम कर सकते हैं। The protected access modifier can be applied on the data member, method and constructor. It can't be applied on the class. या मतलब कि ये सिर्फ क्लास के अलावा बाकी सब चीज़ों पर, मॉडिफायर्स पे, मेथड्स पे, कंस्ट्रक्टर्स पे, सब पे अप्लाई हो सकते हैं। तो आइए इसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि बेसिकली ये काम किस तरह से कर रहा होता है। हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले पहले इनकैप्सुलेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इनकैप्सुलेशन भी यहाँ पे किस तरह से काम कर रही है, ताकि फिर प्रैक्टिकल करते वक्त जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इन सी शार्प इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। क्या मतलब कि जो इनकैप्सुलेशन है वो बेसिकली वो पूरे कोड को, मुख्तलिफ कोड्स को एक साथ कंबाइन करना, कंपाइल कर देना किसी भी एक सिंगल यूनिट के अंदर। जैसे कि एक कैप्सूल है जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन को एक मिक्सचर के तौर पर बना दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है कि उनको इनकैप्सुलेट कर दिए, कि कैप्सूल बना दिए गए। इस तरह से यहाँ पर भी इनकैप्सुलेशन क्या है, कि बहुत सारे कोड्स को एक जगह पे कंबाइन कर देना। वी कैन क्रिएट अ फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास इन सी शार्प बाय मेकिंग ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास प्राइवेट। नाउ वी कैन यूज सेटर एंड गेटर मेथड्स टू सेट एंड गेट द डाटा इन इट। अभी इसको डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर ये सेटर और गेटर मेथड क्या है और इनको इनकैप्सुलेट किस तरह से कर सकते हैं सारी क्लासेस को प्राइवेट करके। तो आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि बेसिकली ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है वो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने एक क्लास बनाई हुई है, मैं दोबारा से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। एक कंसोल एप्लीकेशन डिजाइन कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन के नाम से, ये एग्जिस्ट करती है इस नाम से पहले, तो इसको डबल एंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब हमारे पास ये इनकैप्सुलेशन की एक प्रोग्राम डिजाइन हो गया है। तो अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, क्योंकि हम एक छोटी सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक अलग से क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर आए और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया, और यहाँ पे जो है इसका नाम रख देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय, आप कुछ भी रख दीजिएगा। ठीक है, और अब जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्कोप बना लेता हूँ, इस स्कोप के अंदर जो है मैं कुछ काम कर लेता हूँ। जैसे कि मैं एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करवा दूँगा, ताकि फिर मैं उस हिसाब से काम कर सकूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी प्राइवेट वेरिएबल के से प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पे मैं डेटा टाइप लिखूंगा, और साथ में मैं कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल कोई भी रख लीजिएगा, मैं अपने तौर पे एक रख रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और लिया प्राइवेट में ही, ताकि हम चेक कर सकें कि ये एक्सेस मॉडिफायर किस तरह से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर डेटा टाइप ले ली डबल, और साथ में इसके जो डेटा टाइप की जो वेरिएबल रखना है वो हम सैलरी लिख देते हैं, क्योंकि सैलरी जो है वो अक्सर डबल में भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे प्रोग्राम के ऊपर, प्रोग्राम डॉट सी एस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके कुछ कोड लिखेंगे। अब वो कोड क्या है जो हमने यहाँ पर पीछे बनाया है, एम्प्लॉय का जो क्लास बनाई है वो उसी को कॉल करवाएंगे। तो ये एम्प्लॉय ई इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, देखें यहाँ पे एक्सेसिबल है, और साथ में हमने क्या कर दिया, इसको एक्सेस करवा लिया।
ठीक है, अब ई डॉट देखें, अब हमारे पास जो हमने पीछे क्लास बनाई थी उसके अंदर जो वेरिएबल रखा था वो देखें यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं एक्सेसिबल है? क्योंकि यहाँ पर जो क्लास है वो यहाँ पर प्राइवेट है, जिसकी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे प्राइवेट है, तो वेरिएबल प्राइवेट हैं तो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के लिए क्योंकि हमारे पास अभी एक्सेसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर आकर एक गेट का मेथड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक के बाद हम लिखेंगे इंटीजर, और इंटीजर के बाद एक गेट, और यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख दे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे exp, और साथ में मैंने एक ब्रैकेट बना दिया, और अंदर मैं रिटर्न करवा दूंगा एक, मैं यहाँ पे स्कोप बना लेता हूँ, और अंदर मैं रिटर्न करवा दूंगा इस वैल्यू को जो मैंने ऊपर यहाँ पर जो मुझे वहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो मुझे यहाँ से एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ लाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और आगे मैंने लगा दिया टर्मिनेटर। तो अब देखिए, जब मैं वापस जाऊँगा प्रोग्राम के ऊपर और यहाँ जाके जब मैं ई डॉट लिखूँगा, तो यहाँ देखिए वो एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया है कि अब वाला काम जो है हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे होगा, इसका मेथड बनाया था तो ब्रैकेट लगेगा और टर्मिनेटर लग जाएगा। तो इससे देखिए अब यहाँ पर ये एक्सेसिबल है, कंट्रोल शिफ्ट बी, अच्छा कोई एरर नहीं है। अब क्योंकि हमें इसको प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि हमें इसको प्रिंट करवाना है, डॉट राइट लाइन, और इसको हम उस ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे जिसमें हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्योंकि इसको कंसोल को होल्ड भी करवाना है, तो कंसोल डॉट रीड लाइन, सॉरी डॉट डॉट रीड की, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि जो हम भी प्रिंट करवाएंगे तो जो स्क्रीन हमारे पास सामने आएगी वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, मतलब होल्ड हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट भी, कोई एरर नहीं है। अब इसको प्रिंट करके चेक करते हैं, रन करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जीरो आ रहा। जीरो का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो जब बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने वहां पर क्योंकि कोई गिवन नहीं की थी, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जीरो शो कर रहा है। तब हम यहाँ पर वैल्यू असाइन कर देंगे तो वैल्यू खुद ब खुद से यहाँ पर भी प्रिंट। अच्छा, तो अब जब क्योंकि हमें वैल्यू पुट करवानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट के बाद एक और मेथड बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा सेट। तो वो सेट का मेथड कैसे बनेगा, यहाँ पर आके दोबारा से पब्लिक, यहाँ पे हम लिखेंगे void, void का मतलब होता है जब वैल्यू को रिटर्न जीरो करवा, जीरो हो हमारे पास खाली हो, तो साथ में क्या कर देंगे सेट, क्योंकि मेथड बनाना है, और उसका नाम भी यही रख देंगे फिर exp, और साथ में वही ब्रैकेट्स बना देंगे क्योंकि ये एक मेथड बनाया जा रहा है, ठीक है। अब जब ये मेथड बनाया जाएगा तो साथ में फिर से वही स्कोप बनाएंगे, और स्कोप बनाने के बाद, सॉरी मैं स्कोप बनाने से पहले इसे इंटीजर की वैल्यू के अंदर जो है मैं एक वैल्यू को लिखूंगा जो कि इंटीजर काम करेगा। तो वो इंटीजर का काम किस तरह से करेगा, यहाँ पर के एक वेरिएबल का यहाँ पर नाम दे दिया इंटीजर वैल्यू, और साथ में अंदर जो वैल्यू हमको रिटर्न करवानी है वो यहाँ पर आ जाएगी एक्सपीरियंस के नाम से, जो भी हमने वेरिएबल वहाँ बनाया था। तो वो वेरिएबल किस तरह से काम करेगा और कहाँ पे प्रिंट करवाना है उसको, उसका नाम आ जाएगा, तो जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे तो रिटर्न कर यहाँ बना लिया, अब इसको वहाँ पे रिटर्न करवाना है कि वहाँ पे वैल्यूज की सेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इस एम्प्लॉय के नीचे हम यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे ई, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका नाम लिखेंगे ई, और साथ में ये डॉट, अब देखिए यहाँ पर ये सेट का भी एक्सेसिबल है, और साथ में देखिए अब ये पैरामीटर रिक्वायर्ड है इसको, तो कौन सा वाला वेरिएबल, वो इंटीजर इसको रिक्वायर्ड है, तो हम वो चीज़ जो हमें प्रिंट करवानी है क्योंकि हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू सेट करी थी, तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया 79 वैल्यू पुट करवा दी और इसको यहाँ पर एक्सेस करवा लेंगे। तो अब देखें जब वो वैल्यू पहले जीरो आ रही थी, अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ पुट करवाई है, तो देखें यहाँ पर 77 आ रही है। तो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके गेट और सेट के मेथड से इसको अप्लाई करवा दिया। तो ये चीज क्लियर हुई कि पब्लिक जब पहले हमारे पास एक्सेसिबल नहीं था प्राइवेट की वजह से, तो जब हम इसको गेट और सेट के मेथड से काम करेंगे तो वो खुद ब खुद हम उसको एक्सेस करवा सकते हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास बाकी एक और वेरिएबल भी है, तो उसके लिए कैसे काम करेंगे, तो हम इसी के बाद
अब जैसे कि पहले वाला मेथड जो हमने जहाँ पे बनाया था एम्प्लॉय के अंदर, यहाँ पर हम एक्सपीरियंस के बाद एक डबल का मेथड भी ले लेंगे, डबल के लिए बना लेंगे। तो किस तरह से बनाया जाएगा, तो बस इसी स्कोप के बाद जो है हम यहाँ पर डबल लिख लेंगे, डबल और वेरिएबल का नाम लिख देंगे सैलरी। अच्छा, अब सैलरी के बाद हमने स्कोप बनाया और यहाँ पे हम बनाएंगे गेट का मेथड। गेट का मेथड हम इस तरह से बना लिया हमने, इसी तरह से हम एक और बना लेंगे सेट का मेथड भी। ठीक है, अब जब सेट का मेथड बना लेंगे तो वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, और अब जो वैल्यू हमने यहाँ रिटर्न करवाई थी वो सेट के अंदर हम रिटर्न करवा लेंगे। कोई एक एक्सेस ज़्यादा हो रहा है, एक ब्रैकेट ज़्यादा हो रहा था, इसी वजह से वो एरर दे रहा था, ऊपर वाला एरर भी चला जाएगा। तो हम यहाँ पर जो हमने ऊपर सैलरी का मेथड बनाया था, जो वहाँ पे वेरिएबल लिया था, उसको यहाँ पे एक्सेस करवा लेंगे इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पर एरर चला गया इसका। अब इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करवा लेंगे वैल्यू को, कैसे, बस रिटर्न का कीवर्ड यूज करके हम जो सैलरी हमारे पास है हम इसको रिटर्न करवा लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब वो एरर, तो अब हम इस सैलरी के, ये जो मैंने डिफरेंस रखा था यहाँ पर, ताकि इस वाले की मदद से हम दूसरी जगह पे वैल्यू को गेट करवा सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। अब जब यहाँ पर आके लिखेंगे तो अभी ये कुछ देर के लिए इसको मिटा देंगे कंसोल डॉट रीड की को, और इसकी जगह पे जो है हम यहाँ पे ई डॉट सैलरी, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं ये। ठीक है, मैं यहाँ पर पब्लिक लिखना भूल गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर वो एक्सेस नहीं हो रहा था। अब जब मैं यहाँ पे लिखूँगा ई डॉट, देखिए यहाँ पर वो एक्सेसिबल है। बस यहाँ पे अब इसकी वैल्यू एक असाइन करते हैं हार्ड कोडेड, ताकि अभी कोई भी डेटाबेस अटैच नहीं है। ये कोई भी सपोज कर लेते हैं 6600 या जो भी आप चाहें, और साथ में क्या आ जाएगा, अब उसको प्रिंट करवा लेंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवानी है ई डॉट सैलरी को, प्रिंट करवाना है हमको यहाँ पर। ठीक तो इसको प्रिंट करवाना था यहाँ पे, इसकी तरह ब्रैकेट लगा दिया गया। अब क्योंकि हमें स्क्रीन को होल्ड भी करना होता है, तो इसलिए कंसोल डॉट रीड की, साथ में कंट्रोल शिफ्ट डी, चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, और इसको अब यहाँ पे रन करके चेक करते हैं। तो देख लें यहाँ पर वो 600 भी एक्सेसिबल है, और जो 700 था वो भी एक्सेसिबल है, तो दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद इससे फायदा क्या हो गया, जैसे कि अब हमने क्या कर लिया कि हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स को भी हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका जवाब क्या हो गया कि हम यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स को गेट सेट मेथड की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अब एक सवाल ये बनता है कि इनकैप्सुलेशन का फायदा क्या है, या मतलब इनकैप्सुलेशन क्यों करी जाती है, या फिर ये गेट सेट मेथड का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है। तो इसको देखिए इस तरह से एज्यूम करते हैं कि सबसे पहले तो उसके लिए अब हम यहाँ पर आकर ये सेट मेथड के अंदर एक्सपीरियंस से ऊपर एक कंडीशन लगा देंगे कि हम चेक करने के लिए कि ये सही से काम करता है या नहीं, ताकि कोई डबल वैल्यू जो है वो शो ना करवा सके, जो हम चाहते हैं सिर्फ वही शो हो। तो इनकैप्सुलेशन का जो मकसद है वो यही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो एक कंडीशन लगाई, इफ़ हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल, तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, जो वेरिएबल है हमारे पास, इसका नाम है वैल्यू VAL, अगर ये जो है वो छोटा है 0 से, मतलब जो हमने वैल्यू असाइन करी है वो अगर छोटी है 0 से, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वो एक्सपीरियंस की वैल्यू है, एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू 0, तो वो कभी भी, फिर ऐसे फायदा क्या होगा कि इससे जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में नहीं जा सकती इसकी मदद से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी एरर चेक कर लिया, कोई एरर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, वापस इस प्रोग्राम में आएंगे, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एक और नया बना लेते हैं दोबारा से, एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू
सॉरी मैंने यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करना भूल गया, ई टू रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, इसका ऑब्जेक्ट नेम चेंज कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे इसको गेट करूँगा तो ई टू डॉट, अब जब मैं इसको सेट करूँगा तो ये मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू जब अगर मैं इसको माइनस में, जो मैंने कहा था कि वो चेक करना है, तो अगर मैं -33 वैल्यू इसको असाइन करता हूँ, और उसके बाद जब मैं दोबारा इसको कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट राइट लाइन, और जिसको प्रिंट करवाना है उसकी वैल्यू, तो ई डॉट गेट, ताकि हम उसकी वैल्यू को गेट कर सकें। और यहाँ पे मैं इसका टर्मिनेटर लगा देता हूँ, और इसके बाद कोई चीज़ मिसिंग है आई गेस। सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये वाला जो ब्रैकेट था वो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये एरर शो कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब जब हम इसको चेक करेंगे तो होपफुली ये काम करेगा। अभी इसको चेक करते हैं रन करके, ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर इसको प्रिंट करवाना चाहिए ज़ीरो, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन लगाई है जिसकी वजह से वो यहाँ पर ज़ीरो शो करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब मैं सबसे पहले तो इसके जो कंसोल डॉट रीड की है इसको मैं कट करके नीचे प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि फिर ये कोई प्रॉब्लम ना करे। कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट बी, चेक कर लिया कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं, देखिए अब यहाँ पर जैसे कोई कंडीशन में गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो गलती से पहले वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करवा लिया, इसी वजह से उसने वाली वैल्यू प्रिंट करवाई। अब चेक करते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा ये यहाँ पर माइनस वैल्यू पुट करवा रहा है, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई। सॉरी, गलती समझ में आ गई। यहाँ पे जो है मैं गलती से एल्स, मैंने इफ की कंडीशन तो खोल चला ली थी, लेकिन मैंने एल्स लिखना मैं रह गया था। तो यहाँ पे जब मैं एल्स लिख दूंगा, क्योंकि मैंने कंडीशन पूरी नहीं करी थी, तो वो गलती से लिखना रह गया था। खैर, तो अब ये होपफुली चलेगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं इसको, क्योंकि हर एक चीज़ एक्यूरेट हो गई है। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने माइनस वैल्यू अज्यूम नहीं करी थी, मना कर दिया था, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि जीरो से अगर छोटी वैल्यू होगी तो प्रिंट नहीं करेगी। तो इस वजह से यहाँ पर एक गेट सेट मेथड जो है वो काम आता है, और इनकैप्सुलेशन को हम यहाँ पर इस तरह सर अंजाम दे सकते हैं। तो होपफुली उम्मीद होगा कि उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जिसका नाम है लर्निंग इनोवेशन अकेडमी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।